अच्छा कितने लगभग गोली चलाई होंगी, कुछ अंदाजा है? गोली 12-14 गोली चली, पर नहीं उसने गोली मार दी मेरे को। पीछे से मेरे लड़का भाग के आया, उसको दो मार दी गोली, जो हॉस्पिटल में शिफ्ट है। तो तीसरा बाद में वो भी आया तो उसे पकड़ लिया दो आदमियों ने और उसे गोली मारी। वो पहले से ही कह रहा था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरे से बच जाओ। वो रियल लाइफ में विलन का रोल निभाते निभाते कब रियल लाइफ में विलन बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बिजनौर में पेड़ काटने के विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सुनने वालों के होश उड़ गए। आरोपी का नाम और प्रोफेशन जानने के बाद लोग दंग रह गए। दरअसल दो दिन पहले बढ़ापुर के गांव कुआं खेड़ा में पेड़ काटने को लेकर भूपेंद्र और गुरदीप सिंह के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी की फार्म हाउस के मालिक भूपेंद्र ने पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए अपने साथियों के साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में गुरदीप सिंह के बेटे गोविंद की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गुरदीप सिंह, दूसरा बेटा गोविंदा, अमरीत सिंह और मां वीरोबाई गोली लगने से घायल हो गए। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस मामले के बाद आरोपी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी भूपेंद्र सिंह फिल्मी पर्दे पर कई फिल्मों में विलेन का रोल निभा चुका है। वो कई हिंदी फिल्मों में जैसे ये प्यार ना होगा कम, एक हसीना थी जैसी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु और टीवी सीरियल में भी काम कर चुका है। आरोपी भूपेंद्र ने कई बार विलेन का रोल अदा किया है और अब इस मामले में भी भूपेंद्र को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। वही बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। हमले में मरने वाले गोविंदा का रामगंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पिता, भाई और माँ का इलाज अस्पताल में जारी है, जिसके चलते गोविंदा को आखिरी विदाई उसकी बहन ने दी। हमले में घायल गुरदीप सिंह ने बताया था, पीछे से उसने पेड़ काट के हमारे आज फिर पहले भी काटे थे। 19 तारीख में हमने उसकी एप्लीकेशन थाने में दी थी, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होने पे दोबारा फिर अपने आदमी लेके उसने पेड़ काटे। हम जब देखने गए तो उसे दो तो बीच गन्ने में छिपे पड़े थे, वो खड़ा था सामने और एक नौकर जो ज्ञान सिंह है वो भी साइड में खड़ा था। जब उसने कहा कि तुम भाग जाओ नहीं तुम्हें गोली मार दूंगा, हमने कहा भैया हम तो डॉल देखने आए हैं, तुम ऐसे मत करो, हमारे नुकसान बहुत कर दिया तुमने, हमें एप्लीकेशन दी थी, अब पुलिस आएगी तो चलो जैसे भी कर लेना, अब पुलिस की मानेगी। पर नहीं, उसने गोली मार दी मेरे को। पीछे से मेरे लड़का भाग के आया, उसको दो मार दी गोली, जो हॉस्पिटल में शिफ्ट है। तो तीसरा बाद में वो भी आया तो उसे पकड़ लिया दो आदमियों ने और उसे गोली मारी। आपने पुलिस से कितने दिन पहले शिकायत की? हम 19/11/23 में करी थी एप्लीकेशन। कोई आए थे पुलिस वाले? हमारे साथ कोई नहीं आया, गया वहाँ। 112 नंबर भी आई थी, वो भी हमारे घर से बयान लेके चले गए थे। तो इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। वही आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। सोचिए जरा, 2 अक्टूबर को देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ भी पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की, एक बेटे की मौत हो गई और बाकी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।